डिप्टी कमिश्नर ने दसिया कि उन्होंने वालों अब जिले में बनाई जा रही सड़कों के कामों की चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान सतलुज दरिया में उन्होंने गैर कानूनी माइनिंग संबंधी कुछ हलचल नजर आई तो उन्होंने तुरंत माइनिंग पुलिस विभाग के अधिकारियों मौके पर हाजिर होने संबंधी निर्देश दिए। जब माइनिंग पुलिस विभाग की टीम सतलुज दरिया के अंदर पहुंची तो तीन टिप्पर तीन पोकलैंड मशीन राही गैर कानूनी माइनिंग की जा रही थी। अधिकारियों के पहुंचने से टिप्पर चालक और होर व्यक्ति टिप्पर मशीनों को छोड़ के फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर ने दसिया कि इन्हों के खिलाफ परचा दर्ज करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। जिले में गैर कानूनी माइनिंग करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई करने संबंधी पहले ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। भविष्य के विच भी अधिकारियों वालों रात और दिन के समय अचनचेत चैकिंग करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। जेकर जिले में कोई भी गैर कानूनी माइनिंग करता पाया गया तो परचे दर्ज करके सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोड इंस्पेक्शन के दौरान कुछ गड्डियां इतने देखी गई सी जी नजायज माइनिंग लग रही थी कि हो रही है उसको फॉलोअप किया गया तो पूरा आगे रस्ते दे विच विचकार इन्होंने पानी के जरा रस्ता बनाया गया उसको फॉलो करते हुए आए तो तीन टिप्पर तो तीन पोखले मौके पर मिली है जेडे माइनिंग अफसर भी नाल ने ये सांझी रेड हैगी पुलिस पार्टी हम पहुँच चुकी हैगी तो हूँ इसके ऊपर परचा दर्ज कराया जा रहा है कि सख्त तो सख्त इन्होंने खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी तो फाइन भी पाया जाएगा।